अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माई चैनल साइमा होम क्रिएशंस। आज मैं आपको, पहले भी मैं आपको एक दफ़ा चावल बनाना सिखा चुकी हूँ। वो फ्राइड राइस बनाए थे मैंने और बहुत ही आसान और मज़ेदार थे, जो कि बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। उसमें मैंने ऐसी कोई चीज़ नहीं डाली थी कि जो मुश्किल से अवेलेबल हो या मुश्किल से आप बना सकें। आज मैं बना रही हूँ आलू के चावल, जिसको आलू की तहारी भी कहा जाता है, और इसमें बहुत कम चीज़ें यूज़ होंगी, लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। ख़ास तौर पे बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। हल्की मिर्चें डालें तो बहुत बच्चों को पसंद आते हैं ये। अच्छा, इसमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी उसमें चाहिए होंगे हमें, मैंने ये आलू लिए हैं। आलू को थोड़ा सा लंबाई के रूप काट लिया है, ऐसे आप जैसे मर्ज़ी काट सकते हैं। प्याज ले लिया मैंने दरमियानी 2 अदद, हरी मिर्चें हैं बारीक काट ली हैं 6 से 7 अदद, और लहसुन अदरक का पेस्ट है, नमक, और ये चावल मैंने पहले से भिगो लिए हैं। तकरीबन 3 पाव के करीब ये चावल हैं, और हसबे ज़रूरत है इसमें हमें ऑयल चाहिए होगा। आइए हम इसे पकाते हैं। अब पतीली में हम सबसे पहले डालेंगे ऑयल, हसबे ज़रूरत हमें जितना चाहिए होगा। ये हमने इसमें ऑयल डाल दी है। इसमें हम प्याज डाल के थोड़ी सी लाइट ब्राउन करेंगे। प्याज देखिए लाइट ब्राउन हो चुकी है। अब इसमें हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, कटी हुई मिर्चियां, प्याज में आएगा। ये डालने के बाद अब इसमें हम डालेंगे आलू, और इसमें हम 1 प्याली के करीब पानी डाल के अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लेंगे, और उसके लिए पानी डालेंगे बाद में। आलू देखिए अच्छी तरह से भुन चुके हैं, मसाला भी भुन चुका है। अब इसमें हम पानी डालेंगे जितना हमें चाहिए होगा, और उसके बाद जब उबाल आ जाएगा, आलू अच्छी तरह गल जाएंगे, तो फिर इसमें हम चावल डालेंगे। चावलों में मैंने पानी डाल दिया है। मैंने तकरीबन 3 पाव चावल लिए थे, उसके हिसाब से मैंने ये एक डोल भर के तकरीबन 1.5 किलो जितना इसमें मैंने पानी डाल दिया है। अब इसमें जब उबाल आ जाएगा अच्छी तरह से, आलू गल जाएंगे, तो फिर इसमें हम चावल ऐड करेंगे। पानी देखें उबल चुका है और आलू भी गल चुके हैं। अब इसमें हम डालेंगे चावल। चावल हमने इसमें डाल दिए हैं, ये देखें। अब साथ ही इसमें हम डाल देंगे नमक, तकरीबन 3 हमने चम्मच इसमें नमक के डाले हैं हसबे जायका। और बाद में जब इसमें उबाल आ जाएगा, पानी थोड़ा कम होगा, तो फिर इसका हम नमक दोबारा से चेक करेंगे। चावलों का देखिए पानी खुश्क हो चुका है तकरीबन। अब ये थोड़े चावल, थोड़ा थोड़ा पानी इसमें नजर आ रहा है। अब इसको हम दम पर रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। पहले हम इसके ऊपर ये रुमाल ढकेंगे थोड़ा सा, और इसके ऊपर हम ये कवर कर देंगे, और कोई वजनी सी चीज इसके ऊपर हम रख देंगे। मैंने इन चावलों को दम पर रख दिया था। चावल बिल्कुल दम हो चुके हैं, बहुत ही मज़ेदार और शानदार चावल बने हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी और तमाम रेसिपीज़ की तरह आपको ये भी बहुत पसंद आएगी। पसंद करने का शुक्रिया। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए, मेरी डिश पसंद आए, तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और पसंद करने का बेहद शुक्रिया।